दोस्तों कल पोपटलाल की सगाई कैंसल होने के बाद फैंस कल इतना ज़्यादा भड़क गए और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि फैंस गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं आप भी देखोगे तो हैरान हो जाओगे। तो आइए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फैंस क्या क्या बोल रहे हैं गुस्से में। दोस्तों देखने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो आइए देखते हैं फैंस का कॉमेंट। तो दोस्तों पहला बंदा कॉमेंट करता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, पोपटलाल की शादी कभी नहीं होगी, कवारा मरेगा। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दूसरा बंदा कमेंट करता है, अब से शो देखना बंद करो। उसके बाद कमेंट्स आता है, पोपटलाल की शादी सपने में भी पूरी नहीं हुई, सपना नहीं भाई ये हकीकत था। और अगला कमेंट सब देखते हैं। अब यहाँ पर अगला बंदा कमेंट करता है, अब तो शो देखने का भी मन नहीं करता, कुछ भी करके शादी कैंसिल करा ही देते हैं। नेक्स्ट बंदा कमेंट करता है, इनका कमेंट थोड़ा इमोशनल भरा है तो आप लोग ज़रा गौर से देखना इस कमेंट को। ये बंदा कमेंट करता है, भाई ये लोग बहुत बुरे हैं, नर्क में जाएंगे, इतना दिल दुखाएंगे, सालों ने फुल प्लानिंग की थी, मधुबाला का BGM भी बना दिया था और मैंने तो इमेजिन भी किया था शादी हो गया तो ये ऐसे गप्पे लड़ाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, कितना भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाए, TMKOC आज से हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फैंस है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। और ये नहीं, बहुत लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि हो सकता है कि पोपटलाल की शादी के बाद स्टोरी और अच्छी चलेगी, पोपटलाल की और उसकी पत्नी की और इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी जो फैंस को देखने में मज़ा आएगा। लेकिन तारक मेहता के मेकर्स तो मेकर्स हैं, आप सभी को पता ही है वो क्या करते हैं। खैर अब नेक्स्ट कॉमेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉमेंट बंदा करता है, फाइनली पोपटलाल की शादी कैंसल। और अब अगला कमेंट देखते हैं, शादी कैंसल हो गई, सोनी सब देखना बंद। नेक्स्ट कमेंट, शादी कैंसल, एपिसोड देखना बंद। तो बहुत लोग अब यही करेंगे, एपिसोड को देखना बंद कर देंगे। और अब अगला कमेंट देखते हैं क्या है, मैं ये शो देखना छोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कमेंट आता है, पोपटलाल की शादी नहीं, इमोशनल डैमेज। फिर अगला कमेंट आता है, कौन कौन पोपटलाल की सगाई टूटने की वजह से दुखी है, मैं और सभी तारक मेहता के फैंस, हम सभी दुखी है पोपटलाल की सगाई टूटने की वजह से। भाई अगला कमेंट देखते हैं, तोड़ दिया सब फैंस का दिल। हाँ भाई सही बोला, सभी फैंस का दिल तोड़ दिया तारक मेहता सीरियल के मेकर्स ने कल। और अब अगला कमेंट देखते हैं, अगला कमेंट एक बंदा करता है, आसित मोदी अपने आप को भगवान समझता है कि जो वो चाहेगा वही होगा, लेकिन अब आज और अभी से इस शो को देखना बंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब ये भाई बोल रहे हैं कि आसित कुमार मोदी भगवान थोड़ी है कि जो चाहेंगे वही करेंगे, हम आज से और अब से ये शो देखना बंद कर रहे हैं। तो ये फैंस ने तो ठान लिया है कि अब ये शो को देखना ये बंद कर देंगे। बाकी अब और कमेंट पढ़ के आप सब और दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं और ज़्यादा कमेंट पढ़ने वाला हूँ नहीं। बाकी आप सब समझ ही गए होंगे कि तारक मेहता के फैंस कितने ज़्यादा दुखी है और कितने ज़्यादा गुस्से में है कल का ये हरकत होने के बाद, पोपटलाल की सगाई कैंसिल होने के बाद। दोस्तों आखिर फैंस का स्वाभाविक है गुस्सा होना, क्योंकि फैंस इतने सालों से एक्सपेक्टेशन लगा के है कि भाई पोपटलाल की शादी अब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने साल हो गए, अब तारक मेहता सीरियल के मेकर्स ऐसा नहीं करेंगे। इस बार फैंस का उम्मीद था कि अब पोपटलाल की शादी हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से तारक मेहता सीरियल में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी नहीं आई, तो हो सकता है कि पोपटलाल की शादी हो जाए तो हमें और ज़्यादा एंटरटेन होने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सबका एक बार फिर से कट गया, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना। और ऐसे ही तारक मेहता की अपडेट एंड न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।